हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाएं। हमारे साथ दुर्गेश यादव है, गोंडा से आया है, 14 साल की उम्र है। क्यों रो रहे बेटा? हम मुख्यमंत्री जी के, योगी आदित्यनाथ जी के 10 बार एप्लीकेशन दे दिया, मेरे भाई की हत्या हो गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका बेटा हरविंद सिंह का बेटा 1076 में काम करता है योगी बाबा हेल्पलाइन में, वो धमकी देता है और संडे को जाता है, शाम को दारू वारू पी के फायरिंग करता है, घर वालों को धमकी देता है कि मुकदमा सुलह कर लो, मुकदमा वापस ले लो। कि तो मुकदमा है, क्या क्या हुआ था? हमारे भाई का मर्डर हो गया था, सब्जी लेने गया था, मीट मच्छी बना रखा था, अरविंद सिंह ने मीट मच्छी बनाया था, हमारे भाई से कहा कि बर्तन मान दो, हमारा भाई क्या पूजा पाठ भक्त आदमी है, हम नहीं करेंगे, हमारे यहाँ खाया पिया नहीं जाता, हमारे यहाँ भक्त आदमी है हम लोग, तो इसीलिए अरविंद सिंह ने मसाला कूटने वाली कुटनी से मार दिए। अब कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम दर दर ठोकरे खा रहे, यही मर जाएंगे वो ठीक है, हम घर नहीं जाएंगे। इतना तुम्हारे भाई की हत्या अरविंद सिंह ने करी थी? हाँ। कब करी थी, कितने दिन हो गए? 1 साल हो रहा है अब जी, ठंडी में 1 साल पहले करी थी। देखिए, दुर्गेश कह रहा है कि इसके भाई की हत्या, भाई की उम्र 20 साल थी, उसकी हत्या 1 साल पहले गोंडा के अरविंद सिंह ने सिर्फ इसलिए कर दी थी क्योंकि अरविंद सिंह बाजार में चौराहे पर मीट मछली बना रहा था और इनका भाई सब्जी लेने वहां पर गया हुआ था, तो अरविंद सिंह ने इनके भाई से बेगार करने के लिए कहा। वही सामंतवादी रवैया कि सिंह साहब बना रहे हैं तो इसका भाई इनको मिल गया, तो इसके भाई से कहा कि जो बर्तन है वो मांज दो, मीट मछली वाला, तो भाई भाई ने क्यों नहीं मांजा? भाई हमारे भक्त आदमी थे, बजरंग बली की पूजा वूजा करते थे, इसीलिए नहीं मांजे। भाई भक्त आदमी था, बजरंग बली की पूजा करता था, इसलिए मांस मछली वाले, और मंगल का दिन था, मंगल का दिन था, भूखे थे, हमारे भाई इनकार कर दिए साफ, तो उन्हें मारा। अरविंद सिंह ने मसाला कूटने वाली कुटनी से, मसाला कूटने वाली जिससे मसाला कूटा जाता है, लोहा जैसे हथौड़े की तरह जो होता है, खूब मोटे से होता है, उसी से मारा मेरे भाई को, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। वहाँ के जो सांसद हैं बिजभूषण शरण सिंह, उनकी मदद कर रहे हैं, वो भी धमकी दे रहे हैं उनके लोग। तो आपको आई बात समझ में? अरविंद सिंह ने इनके भाई से, दुर्गेश के, दुर्गेश नाम है आपका? हाँ। भाई का क्या नाम था? गोविंद यादव। गोविंद यादव, अरविंद सिंह ने इनके भाई गोविंद यादव से कहा कि मैं मांस मछली बना रहा हूँ, बर्तन तुम धो दो। इनका भाई बजरंग बली का भक्त था, उस दिन मंगलवार था, व्रत था, उसने इनकार कर दिया कि मांस मछली के बर्तन को वो नहीं छुएगा, तो जिससे मसाला कूटा जाता है, बड़ा सा आपने लोहे का बर्तन देखा होगा, उसमें मसाला कूटा जाता है, उसका हथौड़े जैसा जो मूसल होता है उससे दुर्गेश के भाई को मारा। कहाँ पे मारा? हेड चौराहे पे। नहीं नहीं, किस सर पे मारा, किस जगह चोट लगी? हमारे भाई के दोनों छत्ते पे, दोनों छत्ते पे चोट लगी थी और पेड़ों पे चोट लगी थी, पोस्टमार्टम में निकला बाकायदा। तो जेल हुई अरविंद सिंह को? अरविंद सिंह को जेल हुई है। अब क्या समस्या है जब जेल चला गया तो? उनके बेटे लोग धमकी देते हैं हमको। कहाँ काम करता है उनका बेटा? उनका बेटा 1076 में होगी, मतलब सीएम लाइन, जो सीएम हेल्प लाइन है 1076, उसमें काम करता है। संडे को छुट्टी जाता है घर पे, तब धमकी देता है, फायरिंग करता है। क्या कहता है कि मुकदमा वापस ले लो, सुलह कर लो, मुकदमा वापस ले लो, सुलह कर लो, क्या तुम घर वालों को सबको मार दूंगा, हमारा कुछ होने वाला नहीं। हमारे कितनी उम्र तुम्हारी? हमारे साथ योगी बाबा है, कुछ होने वाला नहीं है। कितनी उम्र है तुम्हारी? हमारी उम्र 14 साल है। तो तुम क्यों घूम रहे हो यहाँ पर गली गली सड़क सड़क, मम्मी पापा क्यों नहीं आते? पापा जी मंद बुद्धि के है, मम्मी हमारे भाई बहन की परवरिश कर रही है, और हम विकलांग। माँ चल नहीं पाती है? माँ चलने में दिक्कत है कमर से। तुम भी तो विकलांग हो बेटा? विकलांग है, हम ही सबसे बड़े हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, अब हम क्या कर सकते हैं। पैरालाइज का बेटा हुआ था तुम्हें? हमें पैरालाइज 3 साल हो रहे हैं, बुखार था एक तरफ। तो यार तुम, हम देख रहे हैं तुम तो कई महीनों से यहाँ घूम रहे हो, हमको पहले भी तुम मिले थे, हमने तुमको इग्नोर कर दिया था कि ऐसे कोई घूम रहा होगा, और आज फिर हमको तुम दिख गए यहाँ पर। कितने दिन से घूम रहे हो? हम आए शुक्रवार को आए।
फिर लखनऊ। हर महीने आते हो? हाँ, एप्लीकेशन देने बाबा के योगी आदित्यनाथ के यहाँ 11 बार एप्लीकेशन दे दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। पैसे हैं कहाँ, कैसे खाते पीते हो, जेब में क्या तुम्हारे कुछ है ही नहीं पैसे वैसे, क्या है जेब में दिखाओ, ये कागज लिए घूम रहे हो तुम खाली, पैसे कहाँ है? अच्छा पैसे, चलो कुछ है खर्चा पानी, कोई नहीं, अभी हम तुम्हारी मदद करते हैं यार, ज्यादा तो नहीं, 200-400 रुपए देंगे भाई, चिंता मत करो, और कोशिश करेंगे यार, देखो हम कुछ कर तो सकते नहीं है, वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है जिम्मेदार लोग देख लें, ये तो रुकते कहाँ हो तुम? हम यही बेंच पे सो गए थे, रात में बहुत मच्छर काटा, इज्जुन खुजली हो रही है, जो जहाँ जहाँ मच्छर काटे हमारी मदद नहीं हुई तो अपने आप अपनी हत्या कर लेंगे। कितने लोगों से, कितने नेताओं से, मंत्रियों से मिले अब तक? हम योगी आदित्यनाथ जी से मिले, शिवपाल योगी जी से मिले हो? हाँ, वहाँ टोकन लेके गए योगी आदित्यनाथ जी के हम बस से, वो पुलिस वाले आगे से ले गए, काली वाली बस थी और कोई मदद नहीं हुई। रो नहीं यार, आपके कुछ मदद कराते, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, कितना कह टूटा, भाई की हत्या अरविंद सिंह ने कर दिया, उसका बेटा परेशान कर रहा है, मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहा है, 10 क्षेत्र में काम करता है, तो बहुत मुश्किल है, और ये 14 साल का बेटा, 14 साल का लड़का इंसाफ के लिए गली गली घूम रहा है, कहीं से कोई मदद नहीं हो रही, क्योंकि 14 साल के व्यक्ति को कोई क्यों गंभीरता से लेगा, तो हर जगह से ये भगाया जाता है, और गरीब है तो जाहिर बात है कि गोंडा से बार बार लखनऊ आकर अपनी लड़ाई लड़ना संभव नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि कुछ इसकी हेल्प की जाए, अपने ड्राइवर से कहते हैं, अभी हमारे पास तो गूगल पे है, कुछ पैसे हो भाई लाओ दो, हम उनको देते हैं, वापस करते हैं, ठीक है, हम तुमको गूगल पे कर देंगे, और देखिए कुछ लोग हैं, अगर हेल्प करना चाहें तो करिए, बच्चा है छोटा, और ये लगातार इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, और हम इसकी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसकी कुछ आर्थिक मदद भी हो जाए, और रो नहीं बेटा, कुछ ना कुछ आपकी मदद होगी, ठीक है, वीडियो वाले अंकल आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, हमारी मदद कराई जाए पूरी तरह से। दीजिए भाई, क्या देख रहे हैं, अगर बच्चा घूम रहा है, 150 निकालने में दिक्कत हो रही है आप लोगों को, तो देखिए ये बालक है, और कुछ लोगों की अंतरात्मा जाग रही है, और इसकी हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं, दीजिए आगे आके दीजिए भाई, अब बच्चा अकेले घूम रहा है, कहाँ से लड़ाई लड़ेगा, और तमाम सरदार जी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, इस बच्चे की हेल्प कर रहे हैं, और अगर आप लोग भी इसकी हेल्प करना चाहें तो नंबर बेटा है ना, मोबाइल नंबर कुछ? मोबाइल नंबर नहीं, हमारे पास फोन था, उसका बेटा झपट्टा मार के गिरा दिया, अरविंद सिंह का बेटा राहुल 1076 में काम करता, जिसने झपट्टा मारा हमको, थापड़ भी मारा और धमकी दे के चला गया। चलिए बेटा, हो सकता है ये वीडियो जिम्मेदार लोग देखें, अधिकारी देखें और आपकी मदद करें, और टच में रहिएगा, हम भी आपकी जो मदद होगी वो जरूर करेंगे, और देखिए एक और भाई साहब बच्चे की हेल्प कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, देखिए छोटा बच्चा है 14 साल का, बहुत गरीब है, तो जाहिर बात है कि इसी तरह से इसकी हेल्प हो पाएगी, क्योंकि 14 साल की उम्र में सोच रही, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, नेताओं मंत्रियों के घर पे जा रहा है, मिल रहा है, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, इसके भाई की हत्या कर दी पहले अरविंद सिंह ने, और उसका बेटा अब इसको लगातार धमकी दे रहा है, तो उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देखें इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे और इसकी दुर्गेश की कोई हेल्प हो पाए, धन्यवाद।